नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा, राष्ट्रवादी। साथियों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या ठीक कहा जा सकता है क्या? एक ओर जहां कुर्सी की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ हैं आदित्यनाथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जब भी दिल्ली जाते हैं तो थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, जब भी वो जेपी नड्डा या अमित शाह से मिलते हैं तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि लोकसभा में बीजेपी 33 सीटों पर सिमटी, और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लेकर के आई है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार क्यों हुई, उसको लेकर के लगातार ये चिंतन मनन चल रहा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में 33 सीटें क्यों आई हैं, क्यों इतनी कम सीटें आई हैं, उनको लेकर के जब भूपेंद्र चौधरी ने 15 पन्नों की जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें कई ऐसे मुख्य बिंदु थे जिनको लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी स्वयं भी ली, और साथ साथ में उन बिंदुओं को गिनाया। जैसे उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा लीक हुई थी उससे नाराज थे बेरोजगार युवा, दूसरी तरफ जो एकमात्र मंदिर का जो मुद्दा था जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, वहीं दूसरी ओर सरकार और संगठन के बीच में ठनी हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं किया। ऐसे ही 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। साथियों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और इन उपचुनावों को लेकर के भी लगातार जो सियासी उठल पुथल है वो लगातार जारी है। लेकिन बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, वो लगातार जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान किया है कि संगठन सरकार से ऊपर है, जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया और अपने ट्विटर पर जैसे ही डाला तो लोगों की तालियां बजने लगी। वहीं दूसरी ओर योगी जी ने कहा है कि उपचुनाव हो जाने दो, उसके बाद में जो थोड़ी बहुत लोग जो उछल कूद कर रहे हैं तो उनको सबको देखा जाएगा, और 2027 में फिर से हम सरकार बनाएंगे। तो साथियों, अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव तो 2027 में विधानसभा के होने ही हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है लोकसभा चुनाव के बाद कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन चुका है। लेकिन ये जो कुर्सी है वो किसके साथ जाएगी, कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से ये कुर्सी छिन तो नहीं जाएगी, या फिर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने PDA का एक नारा लेकर के चली है, और जिस प्रकार से जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने बताया है कि जो PDA जो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लेकर के चलती है, और PDA ही कामयाब होगी यदि हमने उत्तर प्रदेश में कोई OBC मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, उसी को लेकर के लगातार अगर कलह हैं ये बढ़ती जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल का लेटर लिखना आदित्यनाथ जी को कि किस प्रकार से OBC के साथ में NFS किया जा रहा है, और OBC की जो के जो वर्ग है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अंतर कलह है वो देखने को मिल रही है। और आपने देखा होगा यही एक कारण है जो उत्तर प्रदेश में इस समय उथल पुथल मचाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया आपके अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कहा है कि मानसून सत्र चल रहा है, 100 लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि एक तंज कसा है सीधा केशव प्रसाद मौर्य पर कि आप मानसून सत्र चल रहा है, 100 लाओ और मुख्यमंत्री को हम आपको बना देंगे। तो देखना होगा, दोनों तरफ से ये बयानबाजी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 10 सीटों पर चुनाव होना है, और 10 सीटों पर ये जो चुनाव है वो देखना होगा कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। हो सकता है ये है चुनाव तय करे कि ये जो कुर्सी है वो किसके साथ जाएगी, ये कुर्सी क्या मुख्यमंत्री 2027 तक आपके आदित्यनाथ योगी रह पाएंगे, या केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा। वहां पर भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्वीकारी है, और उसके साथ में देखना होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना करके 2027 की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बात करें साथियों अल्प
अल्पसंख्यक जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है उसको लेकर के जो मुहिम लेकर के और कहीं ना कहीं एक जाति का जो फैक्टर है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसका ही परिणाम है कि 2024 में लोकसभा में 37 सीटें आई हैं। और देखना होगा कि ये जो दो नए लड़के हैं जो चुनावी इस समय माहौल बनाए हुए हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों की ये जो जुगलबंदी है बीजेपी के नाक में दम कर रही है। अगर यही इसी प्रकार से ये गठजोड़ बना रहा तो 2027 में और इन उपचुनावों में आपको और बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि ये जो सियासी गर्मी है वो और कितनी बढ़ती है और जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। लेकिन इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है। देखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश में क्या होता है। और जिस प्रकार से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के बीजेपी चल रही थी, वहीं पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जिस प्रकार से उनको हराया है। साथियों, अब देखना होगा कि आगे क्या रहता है, बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, संगठन कैसे सरकार से ऊपर जाता है या सरकार संगठन से ऊपर जाती है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उत्तर प्रदेश को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।